क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इन्होंने क्या पूछा, ड्रा रफ स्केचेस फॉर दी फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में सी पार्ट है, हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, इन ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल बनाना है, एबीसी नाम देना है और बीई इज अ मीडियन, यानी मीडियन हमें देना है बीई का। ठीक है, तो चलिए फिगर पे ध्यान देते हैं और बनाते हैं। तो देखिए ए पार्ट में हमने एक फिगर बनाया, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देंगे बी और इसका नाम देंगे सी। ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया ए बी सी का। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था बी ई एक मीडियन देना है, तो मीडियन वाली लाइन यानी बीच की लाइन यहां से हम दे देंगे, देखिए। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे ई। देखिए हमारा फिगर तैयार हो गया, एक ट्रायंगल मिला ए बी सी का और मीडियन मिल गया बी ई, बस ये पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए बी पार्ट देखते हैं। तो देखिए बी पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर का और उसमें पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा, एक ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है, यानी एक ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर का, ठीक है, उसमें पी क्यू और आर पी क्या है, त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो चलिए फिगर बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए बी पार्ट में हमने फिगर पहले से बना रखे हैं, अब इसमें नाम देंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल है, इसका नाम देना है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर क्या है, शीर्ष लंब है यानी अल्टीट्यूड है, तो यहां हम क्या करेंगे P लिखेंगे, ठीक है, और यहां लिखेंगे Q। देखिए PQ क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, फिर इसके बाद PR यहां R देंगे, क्योंकि PQ और PR क्या है, ये दोनों अल्टीट्यूड हो गए। देखिए हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया, ट्रायंगल इन्होंने क्या पूछा था PQR, एक ट्रायंगल भी तैयार हो गया। ठीक है, चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं। तो देखिए सी पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल बनाना है एक्स वाई जेड का, उसमें वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, और उसमें से वाई एल क्या करना है, अल्टीट्यूड एंगल यानी बाहरी बनाना है। ठीक है, तो बाहर कैसे बनाएंगे, चलिए ये भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल हमने बनाया, इसका नाम देते हैं यहां पे x और यहां देते हैं y और यहां देते हैं हम z। ठीक है, अब क्या करना है, वाई एल का एक शीर्ष लंब बाहर बनाना है, यानी बहिर्भाग में बाहर एक्सटेरियर बनाना है y और l का। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से क्या करेंगे, हम एक बाहर वाई एल का बना देंगे, यानी एक्सटेरियर पूछ रहा था बाहरी भाग, तो देखिए बाहरी हम बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, और इसका नाम दे देंगे L। तो देखिए वाई एल क्या होगा, एक्सटेरियर हो गया यानी बाहरी। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।